संपादी मंच को नमन करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ, शक्ति को नमन करती हूँ और आप सभी अतिथि को भी नमन करती हूँ जो भी आप अपना कल कीर्ति से निकाल कर यहाँ पर इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए और इस कार्यक्रम के आयोजकों को भी नमन करती हूँ जिन्होंने जाट समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए ये महत्वपूर्ण कार्य किया और हम और मैं आप सभी से भी अपील करती हूँ कि हमें अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते रहना चाहिए। जैसे कि मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने कहा अपने समाज की उपलब्धियां गिनाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आप सभी लोगों का ध्यान कुछ अपने समाज में फैली कुरीतियों की तरफ भी आकर्षित करना चाहती हूँ, जिसमें कि एक विषय हमारे समाज में बुराई फैल रही है वो है नशाखोरी, और इस नशाखोरी के साथ साथ हमारा जो युवा समाज है वो इससे लिप्त होता जा रहा है, बुरी तरह से फंसा जा रहा है और बिल्कुल गर्त में जा रहा है, तो हमें इस तरफ ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है और इन नशाखोरी को बढ़ा देने में कुछ हमारी कुरीतियाँ मुख्य हैं। जैसे कांवर यात्रा, कांवर यात्रा हमारे समाज का हिस्सा नहीं थी, जाट समाज में कभी इस विशेष स्थान नहीं मिला, लेकिन हमारे आज के युवा पढ़ाई लिखाई करने के बजाय खेल कूद में हिस्सा लेने के बजाय कांवर यात्राओं में जाते हैं, अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं। जब बच्चों का समय होता है टीयू में एडमिशन लेने का, उस वक्त हमारे बच्चे यहाँ पर कांवर यात्रा में लगे होते हैं, तो मैं सभी युवाओं से